बड़वानी जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या देख सांसद ने आग्रह पर बीसा रीमा समाज ने दिया भवन, कहा भर्ती मरीजों की देखभाल भी कर सकेंगे। कलेक्टर वर्मा ने जिला मुख्यालय पर दो निजी अस्पतालों सहित मैरिज गार्डन का निरीक्षण कर उन्हें किया जा सकता है हैंडओवर। जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य स्थानों पर भी हॉस्टल भवन करेंगे हैंडओवर, ताकि मरीजों के साथ साथ पॉजिटिव मरीजों की फर्स्ट हिस्ट्री में सामने आए लोगों को भी किया जा सके क्वारंटाइन। बड़वानी जिले में कोरोना कहर बनकर बरपा है। अनलॉक 2 के बाद जिले में हर दिन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, जिनको देखते हुए जहां प्रशासन अलर्ट है, वहीं सांसद भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सांसद गजेंद्र पटेल के आग्रह पर आज बीसा रीमा समाज ने समाज के भवन में जहां मरीजों को भर्ती करने की स्वीकृति दी है, वहीं उनकी देखरेख के प्रति भी आश्वस्त किया है। साथ ही बड़वानी कलेक्टर वर्मा भी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। बड़वानी से अतुल कुमाउत की रिपोर्ट। जिले के सभी सामाजिक संस्थाओं को, समाज के लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से कोरोना हमारे जिले में बढ़ रहा है और हर स्थान पर कहीं ना कहीं इसके संक्रमित पेशेंट मिल भी रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये आह्वान भी करता हूँ कि इसमें समाज के लोग भी कदम बढ़ाएं। और मैंने आज हमारे बड़वानी शहर के बीसा रीमा समाज के लोगों से मैंने आग्रह किया कि भाई आपके समाज के लोग भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, तो आप भी ये कदम बढ़ाइए। तो उन्होंने एक गोधूली का स्थान उन्होंने चुना है कि वहाँ पर वो इस प्रकार के पेशेंट को रखेंगे, उनको पूरी सुविधाएं देने का उन्होंने वादा किया। और हम आज सुबह माननीय कलेक्टर साहब के साथ में और समाज के सब लोग साथ में थे, तो उन्होंने हमने सेंटर भी देखा है। और मैं चाहता हूं कि अन्य समाज के लोग भी अपना कदम बढ़ाएं, क्योंकि ये परिस्थितियां हमारे क्षेत्र के लिए और देश के लिए बड़ी विकट परिस्थितियाँ हैं। इसलिए समाज के हर तबके को आगे आना चाहिए और जो अधिक से अधिक मदद हो सकती है इस कोरोना संक्रमित बीमारी को लेकर, स्थान को लेकर, जगह देने को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, वो उसमें मदद करें और जल्दी जल्दी हम इस कोरोना संक्रमित बीमारी से बाहर आ सकें। और इसका हम सब लोग मिलकर पालन करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, बार बार हाथ धोने का पालन करना चाहिए। मैं समाज के सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि हम कदम बढ़ाएं और हम इससे सुरक्षित भी रहें और हम दूसरे लोगों को भी इससे बाहर कर सकें। बड़वानी जिले में कोरोना पेशेंट्स संख्या लगातार बढ़ रही है और भविष्य में और भी संख्या बढ़ सकती है, इसे तो आवश्यक हॉस्पिटल्स उसमें बेड्स की संख्या, लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए आवश्यक संसाधन, उनको कहाँ रुकवाया जाए, उसके लिए आज मैंने 3-4 जगहों का भ्रमण किया हुआ है। एक साई हॉस्पिटल जो बड़वानी का सबसे हॉस्पिटल है, उसमें भी करीब 100 बेड्स हैं, उसको भी हमने आज निरीक्षण किया है। और एक आशा ग्राम करके जो एक उसमें एक हॉस्पिटल है, उसमें भी लगभग 100 बेड्स हैं, उसका भी अवलोकन किया हुआ है। और एक DDRC जो सामाजिक न्याय की ओर से जो एक नया भवन बन रहा है, उसका भी अवलोकन किया गया है, और क्योंकि उसको भी हम कुछ दिनों में तैयार करा सकते हैं। इसके अलावा एक मैरिज गार्डन में एक किसी समाज का मैरिज गार्डन है, उसमें वो भी कुछ लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन करने के लिए उन्होंने अपनी स्वेच्छा से सहमति दी है। तो पूरे ज़िले में हम लोग बड़वानी में भी और जितने हमारे नगरी क्षेत्र हैं, सेंडवा है, राजपुर है, पांचसेमल है, ठीकरी अंजड़, सभी जगह हम लोग ऐसी हॉस्टल्स या और अन्य सुविधायुक्त प्राइवेट या शासकीय भवन हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पर रूम में अटैच लेट बाथ हो और उसमें पंखे वगैरह की अन्य सुविधाएं भी हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था भी हो, कुछ स्टाफ वगैरह भी हो। ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि भविष्य में भी कोरोना पेशेंट संख्या बढ़ती है तो उनको हम मैनेज कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।